शंकरं लोकशंकरं पुरमेकादशद्वारं अजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै ततो हंसा शुचिसद्वसुरन्तरिक्षत होता वेदि सत् अतिथिर्दुरोण सत् नृषद्वर सदृत सद व्योम सदब्जाय गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् विश्वे देवा उपासते परम श्रद्धेय स्वामी जी विद्वत संत समाज आत्मस्वरूप भक्तजन आत्मनः स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते अपना स्वरूप क्या है इसको अगर समझना है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है तो अंतर्मुखी बने अंतर्मुखता जब तक नहीं होगी तब तक फिर हम बाह्य विषयों का विश्लेषण ही इतना करते रहेंगे कि अंतर्मुखता के लिए समय नहीं मिलेगा बाह्य विषयों में शब्द का स्पर्श का रूप का रस का गंध का व्यक्ति का वस्तु का परिस्थिति का उसने ऐसा कहा उसने एक किया अमुक चीज ऐसी है वो नष्ट हो गई वो मिल गई जब बाह्य जगत के आलोचन में विलोचन में इतना ज़्यादा हमारा समय जावेगा तो अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा इस बात को श्रुति भगवती ने इसके पूर्व की बल्ली में कहा था परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानमैच्छत् आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन् फिर से दोहराया था पराचा कामान अनुयंति बालाः ते मृत्योर यान्ति यन्ति वित्तस्य पाशम् जो लोग बाह्य जगत में बहुत ज़्यादा उसके सत्यत्व को समझ करके अपना समय अपनी ऊर्जा उसी में सब लगा देते हैं फिर उस स्वरूप का दर्शन
मुश्किल हो जाता है, कोई आवृत चक्षु वाला होवे। अब जब भीतर का चिंतन करना है तो अब ये हम लोगों ने मंत्र पढ़ लिया कि शरीर एक महल के जैसे है, इसमें 11 दरवाजे हैं, इसमें बहुत सारे करण और उपकरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये शरीर का एक स्वामी है, राजा स्थानी। जैसे महल में एक राजा होता है, ऐसे इस शरीर का एक मुख्य स्वामी है, जिसके लिए ये सारा संघात है, संघातः परार्थत्वात् या समूह। और इस संघात से वो स्वतंत्र है और बिल्कुल असंगत है, अलग है। लेकिन तब तक उसका बोध नहीं होता जब तक उसका उपाय न करे कोई। थोड़ी साधना में मन को बाह्य विक्षेपों से बिल्कुल बचा के रखना है। हमारी साधक की पूंजी यही है, साधक की खास पूंजी यही है कि हमको बाह्य विक्षेप से बचना है। जितना आप बच सको, भले हमको अपने आप को विड्रा करना पड़े, अपने आप को हम किनारे कर लेते। संसारी आदमी क्या चाहता है कि रोज लड़ो झगड़ो वहीं बने रहो। सवेरे लड़ाई हुई, दोपहर में लड़ाई हुई, शाम को लड़ाई हुई, और फिर भी वहीं पर संसारी आदमी, पति पत्नी हैं, माँ बेटे में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है। वो कहते क्या हैं, जो भी है तो अपना ही ना, है तो अपना। साधक के भीतर त्याग का बल होता है और कोई बल नहीं है। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनसु, याद, त्याग का बल होता है। भाई हमारे हिसाब से आप सेट होते हो तो बढ़िया, नहीं तो किनारे किया। हम अपने चित्त को विक्षिप्त नहीं करते। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा चित्त विक्षिप्त है तो फिर उससे अपने आप को किनारे कर लो, अगर साधक हो तो। अन्यथा फिर दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्यः, ये सूत्र है ना, याद होगा कहाँ का, दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्य। जो संग आपके चित्त को दुख देवे उसी का नाम हो गया दुस्संग। एक दिन दू शब्द पर हमने बहुत सारा विचार किया था ना, दू जहाँ लग जाएगा, घटना में लगा दिया दू तो दुर्घटना, यही ना, व्यवहार में लगा दिया आगे दू तो दुर्व्यवहार, हाँ, दुर्योधन, दुशासन, हाँ, दुशला, तमाम ऐसे दू लगा के देखो, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो संग माने कौन, बोले वो संग जो हमारे चित्त को दुख देता है, बार 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 चित्त को दुख देता है, ऐसे संग से आप अपने मन को, अपने आप को किनारे कर सकते हो। जब कर सकते हो तब ये बात समझ में आएगी कि मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है। अगर बाह्य विषय, भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति कहीं पर कही थी, बाह्य विषय आलोचन परत्वम, ऐसे शब्द था, बाह्य विषय का जब तक आलोचन विलोचन होता रहेगा, चिंतन विश्लेषण करते रहोगे, तब तक अपने स्वरूप का बोध हो नहीं होता। हमारे चित्त में बस केवल तीन का स्थान होना चाहिए, चित्त में तीन का स्थान, एक शास्त्र का, एक आचार्य का और एक प्रभु पर विश्वास। अगर ये तीन का स्थान है आपके चित्त में तो बहुत बढ़िया। शास्त्र हमको मार्गदर्शन करता है, आचार्य हम पर करुणा कृपा करते हैं, हमको समझाते हैं, और भगवान कृपा करके परिस्थितियों को ठीक करते हैं, अनुकूल परिस्थिति कर देते हैं। हमारे चित्त में ये तीन के अलावा अगर कोई और बैठा ये संसार का, तो आपके चित्त को बहिर्जगत में खींच ले जाएगा, दुसंगी बना देगा। फिर हम उसको संसार को, बस ठीक है, प्रभु की सृष्टि है, जैसी चल रही चले, भगवान की बनाई सृष्टि है, जैसा चल रहा है चले, और जो इसको सुधारने के लिए प्रयत्नरत हैं भगवान उनके माध्यम से काम करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं, कराने अपने। जैसे जैसे अब देखो, भगवान ने साधन बनाया, रावण को मारना है तो चलो विभीषण को साधन बनाया, सुग्रीव को साधन बनाया, हनुमान जी, नलनील, द्विविध, मयंक, तमाम लोग साधन हैं, लेकिन अगस्त ऋषि अपना ध्यान कर रहे हैं, सुतीक्ष्ण अपने ध्यान में बैठे हैं,
अब सुतीक्ष्ण थोड़े तलवार लेके गए कि चलो हम भी भगवान के काम में सहायता करें और जाके दो चार को मार के आवें। सुतीक्ष्ण भी थे, अगस्त भी थे, वाल्मीकि ऋषि भी थे, वशिष्ठ भी थे, बहुत सारे महात्मा लोग थे। तो वो जो सृष्टि की व्यवस्था की जिम्मेदारी है प्रभु की है, प्रभु करते रहें। हम अपने आप को कितना आप इस जगत से आप हटा सकते हो, कितना सबके बीच में रहते हो ये भी, और बिल्कुल सबसे अलग होकर के देखो। वही इस पूर्व में का दशा द्वार, 11 दरवाजे वाले महल के भीतर जो बैठा है राजा बन करके, इस शरीर से असंगत, स्वतंत्र और स्वामी, उसका अनुभव वही कर सकता है। एक बार उसका अनुभव हुआ तो सृष्टि में सर्वत्र देखो, हंसः शुचिषद वेदिषत होता, सब का सब वही पर है। उसके अलावा इस जगत में और कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता। एक बार तत्व की अनुभूति हुई, सारा जगत उसी से एकीभूत हो गया, तो ये मंत्र हो गया। अब कह रहे हैं आत्मना स्वरूप अधिकमे लिंगम उच्यते, जो अपने आत्मा का स्वरूप है। देखो ये दो मंत्र में दो बातें बताई। पहले मंत्र में बताया कि यह जो देहादि है इससे अपना आत्मा असंगत है, अलग है, स्वतंत्र है और इसका स्वामी। पहला निश्चय करा दिया। दूसरा निश्चय करा दिया कि आत्मा ही आपकी सर्वात्मा है, सारे जगत के कणकण में है। ये दो चीज बता दिया, लेकिन अभी आत्मा को हम कैसे जाने उसका लक्षण नहीं बताया। यहाँ पर इस वल्ली में बताया पहले, जैसे अणोरणीयान महतो महीयान, वो लिंग है, लक्षण है, लेकिन सीधे सीधे लक्षण नहीं बताया। लिंग कहा जाता है वो लक्षण जिसके माध्यम से हम वस्तु की पहचान करते हैं, उसको कहते हैं लिंग। तब कहते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो लक्षण माने, अरे स्वाभाविक रूप से आम पका है, कैसे पहचाना? आम स्वादिष्ट है, ये वाला आम नहीं खरीदूंगा, ये वाला खरीदूंगा, कैसे पहचाना? बोले कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को देख करके हमने कह लिया कि ये वाला मीठा नहीं होगा और ये वाला मीठा। कोई लक्षण होगा, उसके रंग को देखा होगा, उसकी सुगंध को देखा होगा, उसकी आकृति को देखा होगा कि दशहरी है कि चौंसा है, कोई ना कोई लक्षण तो देखा होगा, तभी तो निर्णय लिया ना कि ए वाला उतना मीठा नहीं होगा, ए वाला मीठा होगा। तो जिन लक्षणों से आपने उसको पहचाना, हमने उसको कहा ए मीठे आम का लिंग है, ए मीठे आम को पहचानने का लक्षण है। जैसे आपने किसी आदमी को कहा ये सज्जन है, ये आदमी बहुत साधु पुरुष है, कैसे कह दिया आपने? वो भी पांच महाभूत का पुतला, हम भी पांच महाभूत के पुतले, कैसे कहा? तो वहां पर कोई ना कोई आप उसके लक्षण देखोगे, या किसी ने लक्षण बताया कि ये आदमी दयालु है, ये आदमी कोई विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सहायता करता है, ये आदमी थोड़ा प्रेम करता है सबसे, कोई लक्षण ना, वो लक्षण देख करके बस। तो लक्षण तो ऐसे आत्मा का लक्षण क्या है आप ही तक, ये दोनों मंत्र में उसका नहीं बताया था। दोनों मंत्र में दो बात बताई कि आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग भीतर है, फिर वही आत्मा सब में समाया हुआ है। अब उस आत्मा का लक्षण क्या है, कैसे पहचाने, इस बात को देखो। भाष्कर ने कहा आत्मनः स्वरूप अधिकमी, आत्मा को स्वरूप से जानने के लिए लिंगम उच्यते, क्या लक्षण है अब उसको बताया जा रहा है, किन लक्षणों के द्वारा उस तत्व का बोध हो सकता है। ऊर्ध्वम पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लो। ऊर्ध्वम प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् विश्वे देवा उपासते। देखो वह भीतर है, भीतर है, वह एक शक्ति
शक्ति स्वरूप है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, एक शक्ति है। हम कहते हैं चित स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है। तो करता क्या है, होता क्या? जैसे शक्ति से कोई ना कोई क्रिया होती है, जैसे बल्ब जल गया तो हमने पहचान लिया कि बिजली आई, तो बल्ब के जलने से हमको पता लगा कि बिजली तार में है, तो बिजली का लिंग हो गया कौन सा, बल्ब का जलना, वो लक्षण हो गया। उसी प्रकार से भीतर से हमारी प्राण शक्ति चल रही है, तो ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, यह जो प्राण शक्ति को ऊपर की तरफ चलाता है, ऊर्ध्वम माने ऊपर, प्राणम माने प्राण शक्ति को, श्वास जो आप लेते हो, उन्नयति ले जाता है। और अपानम प्रत्यगस्यति, जो यह अपान को नीचे की तरफ फेंकता है शरीर से बाहर, ये हमारे शरीर में दो क्रिया होती है, एक बाहर से हम प्राण शक्ति को लेते हैं और भीतर से हम उसको बाहर फेंकते हैं। अब हमारे रोए रोए से भी होता है, तो हमारे एक एक रोए से जो है ये जीवनी शक्ति शरीर में आती। कभी सोचा है कि जो नागा बाबा लोग होते हैं प्रयाग के कुंभ में, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल नग्न बैठे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हम लोग चार चार कंबल ओढ़े घूमते हैं, क्यों? तो वहाँ देखोगे तो वो पूरे शरीर पे भस्म लगाए होंगे, पूरे शरीर पे भस्म लगा होगा। तो भस्म जब लगाते हैं तो शरीर के एक एक रोए को जा कर के ढक ले रहा है, जब ढक लेता है तब उससे फिर हमको ठंडी हवा शरीर के भीतर नहीं जा पाती, वो एक तरीके से प्रतिकार है, बचाव है। तो ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, ऊर्ध्वम माने यह जो दो चीज है, बाहर से हम श्वास लेते हैं और भीतर से हमारा बाहर जाता है, हाँ बाहर से गुदा द्वार से भी जाता है, रोए रोए से भी आवागमन हो रहा है। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसको कहते हैं प्राण, और जो भीतर से बाहर निकालते हैं उसको हम नाम देते हैं अपान। यह दोनों क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, किसके द्वारा, किसके द्वारा? अरे यहां तक कि जब आदमी चारपाई पर पड़ा हो और ये लगे कि मरने वाला है, मरने वाला है, तो लोग करते क्या है, उसकी नाड़ी देखेंगे, यही ना, हाथ पकड़ के देखेंगे। कभी कभी हाथ सुन्न हो गया, हाथ की भी नाड़ी नहीं चलती, हाथ की भी नाड़ी नहीं चल रही। तो ज्यादातर ध्यान दोगे तो डॉक्टर लोग, यहां कोई नस होती है गले के पास में, यहाँ कोई नस है, यहाँ पर वो ऐसे कर करके चेक करेगा वो डेथ घोषित करने के पहले। हाँ आँख तो है, नाक में रुई लगा देते हैं हम लोग, जैसे नाक में रुई लगाए तो जरा भी श्वास चल रही होगी तो रुई का हिलेगा, लेकिन वो डॉक्टर लोग यहाँ पर उंगली लगा करके कहीं चेक करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि ये तो सारी हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ कहते। तो यह जो हमारे शरीर में प्राण और अपान की क्रिया चल रही है, किसकी शक्ति से, किसकी? आपका पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, आवाज बढ़ रही है, किसकी शक्ति से? आप कहते हो बिजली, कहाँ है बिजली? बोले जहां ये आवाज बढ़ रही उसी के अंदर है, जहां रोशनी आ रही उसी के अंदर, यही कहोगे ना, भीतर है। मध्य बामन आसीनम, वो ये शरीर के भीतर ही, इस शरीर के भीतर ही बामन, बामन माने बामन भगवान नहीं, बामन माने पूजनी, आदरणी, पूजनी, वह आसीनम, वह विराजमान है। विश्वे देवा उपासते, ये जितने देवता हैं ये सब के सब देवता इसी बामन की, इसी आत्मस्वरूप की उपासना करते हैं, इसी की सेवा करते हैं। मंत्र का अर्थ ऊर्ध्वम माने ऊपर की तरफ, प्राणम प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को उन्नयति ले जाता है, अपानम अपान शक्ति को प्रत्यगस्यति बाहर की तरफ फेंकता है, मध्य अपने इस शरीर रूपी हृदय में, इसी शरीर के भीतर हृदयाकाश में, बामन जो आदरणीय सम्मानी पूजनीय है वह आसीनम विराजमान है।
विश्व देवा जितने भी देवता होते हैं वो सब उसी की उपासना कर रहे हैं। मंत्र का अर्थ हुआ, भाष्य देखें, अब समझ आ रहा है कि नहीं? नाम है तो बता देना, नहीं समझ आया कुछ भाष्य दे। ऊर्ध्वम हृदयात प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ कर रहे हैं भगवान भास्कर, हृदयात आपके हृदय से प्रारंभ हो करके प्राणम प्राण वृत्ति को, यह जो प्राण वायु है उसको चलने की शक्ति देने वाला जो है वही परमात्मा है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हमारे इस ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए ना। देखो अब थोड़ा और समझना, और भीतर जाओ, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, इसको दो चीज़ चाहिए दिमाग को काम करने के लिए, एक ब्लड और एक ऑक्सीजन। वो ब्लड के माध्यम से इसको खाना पीना मिलता रहता है, इसको कैलोरीज मिलती रहती है, ये जब तक जो आपका काम कर रहा है दिमाग, सबसे ज़्यादा कीमती वही है, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाए तो जिंदा भी रहे तो भी किसी काम का फिर हो नहीं, बुद्धि खराब हो गई तो जिंदा भी रहे तो किसी काम का नहीं, पागल हो गया फिर तो। तो ब्रेन को दो चीज़ चाहिए, एक खून चाहिए, खून के साथ ऑक्सीजन चाहिए, उसको कुछ शुगर कैलोरी चाहिए, ये सब जब हृदय से उठता है तो हृदय यहाँ पर है पंप करने वाला स्टेशन मान लो, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? कौन कर रहा है, कौन सी शक्ति ऊपर उठा रही? वही कह रहे हैं ऊर्ध्वम हृदयात प्राणम प्राण वृत्तिम, हृदय से यही प्राण वृत्ति यह ऊपर की तरफ इसका प्रवाह करती है। ऊर्ध्वम गमयति, यह प्राण वायु को ऊपर उठाती। तथा अपानम, अब उसी तरीके से अपान समझ लो, अपानम प्रत्यक अधोष्यति क्षिपति या इति वाक्य शेषा। हाँ, यह जो अपान है, अपान वायु, यह प्रत्यक गस्यति, ये नीचे की तरफ, यह नीचे की तरफ ले जाता है, खींचता है, फेंकता है, छिपति। हाँ, प्रत्यगस्यति का साथ में भाष्यकार रह कह रहे हैं छिपति शब्द लगा लो तो अर्थ निकल आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, अधो श्यति प्रत्यगस्यति वहाँ पर है ना, प्रत्यक का अर्थ किया अधो, प्रत्यक का अर्थ कर दिया अधो, और वहाँ जो गस्यति है अस्यति प्रत्यक धन श्यति ऐसे है ना अस्यति, तो उसको कहा छिपति। हाँ, या इति वाक्य शेषा, या नीचे की तरफ फेंकने का काम। तो प्राण और अपान दोनों का अपना अपना काम ठीक ठीक चलता रहे उसको शक्ति देने वाला यही अपना आत्मा है। कहाँ रहता है वो? करें तम मध्य हृदय पुंडरी का आकाश आसीनम बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम वामनम संभजनीयम विश्व देवा। नहीं, संभजनीयम तक देखो। तम मध्य, वह अपने इसी शरीर के भीतर, कहाँ? हृदय पुंडरीक आकाश, हृदया कमल रूपी आकाश में, हृदयाकाश में आसीनम वहाँ स्थित है। हृदय कमल यानी कौन? समझा रहे हैं, बुद्धो अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम, आपकी बुद्धि में जिसकी शक्ति से ज्ञान हो रहा है। हाँ, या कह लो समन्वित अंतःकरण के भीतर, शुद्ध अंतःकरण के भीतर जो चेतन शक्ति प्रकाशित हो रही है वही आत्मा है। बुद्धो अभिव्यक्ति विज्ञान प्रकाशम, बुद्धि यहाँ पर अंतःकरण को समझ लो, समन्वित अंतःकरण के भीतर, शुद्ध अंतःकरण के भीतर जो चेतना है वही आत्मा है। कैसा है वो? वामनम संभजनीयम, वही उपासनीय है, उसी की उपासना करिए, आत्मदेव की उपासना करनी चाहिए। विश्वे, मंत्र में विश्वे शब्द है, विश्वे सर्वे देवाः चक्षुरादया प्राणाः रूपाद विज्ञानम बलिम उपहारंतो विश्व इव राजानम उपासते तार्थेन अनुपरत व्यापारा भवन्ति इत्यर्थः। करें देखो, विश्वे देवा माने सर्वे देवता, सारे देवता, कौन कौन देवता? यहाँ पर देवता कौन हो गए जो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं आत्मदेव को? बोले चक्षु आदयः,
आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां ये सब के सब बाहर से क्या ले आते हैं, रूपादि विज्ञानम। चक्षु है तो रूप ले आया, अब सब इंद्रियों को ले लो यहाँ पर, कान है तो क्या ले आया, शब्द ले आया, है ना, त्वचा है तो सर्दी गर्मी को ले आया, ये सब उपहार दे रहे हैं किसको, आत्मदेव को। आत्मा ये आपका भीतर जो बैठा है राजा के जैसे, और इंद्रियां ला ला करके और सेवा कर रही हैं। हाँ स्वामी और कोई सेवा, स्वामी ये चाहिए, हुजूर, हाँ हुकुम सरकार, हाँ या राजस्थान में खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी समझे, क्षमा, क्षमा को लोग खम्मा बोलते हैं, खम्मा घड़ी, तो सबकी भाषा अलग। तो सब उपासना किसी कर रहे हैं इंद्रियां, अपने आत्मस्वरूप की, कैसे कर रही हैं, तो विश्व यु राजानम उपासते, जैसे कोई सम्राट होता है, राजा होता है, तो उस राजा को सारे लोग, जितना व्यापार करने वाले हैं, विश्व माने व्यापार करने वाले, हाँ व्यापार करने वाले, यहाँ वैश्य नहीं कहेंगे, पूरा व्यापार करने वाले, ये भी टैक्स देते हैं, बड़ा बड़ा टैक्स, वो ला जा करके उस आत्मदेव को जा करके उपहार के रूप में, जैसे राजा को देते हैं व्यापारी वर्ग कि आपके लिए ये सोना चांदी लाए हैं, वहाँ से व्यापार करने आए हैं तो आपके लिए यह वस्त्र लाए हैं, ऐसे जैसे उपहार देते हैं उसी प्रकार से सारी इंद्रियां अपने आत्मदेव को उपहार भेंट कर रही हैं। तद अर्थेन, अच्छा उपहार देते देते थक जाती होंगी, बोले करें अनुपरत व्यापारा भवन्ति इत्यर्था, बिल्कुल नहीं, उससे कभी अनुपरत नहीं होते, ये छोड़ते नहीं उपहार देते देते बुढ़ापे तक, है ना, अनुपरत व्यापारा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंद्रियों का काम है उपहार ला ला करके देते रहना। दृष्टांत इतना ही समझो कि जैसे सम्राट को सब लोग ला ला करके कर देते रहते हैं, उपहार देते हैं, उसी प्रकार से सब इंद्रियां हमारे इस राजा की सेवा करती रहती है। अब इंद्रियों में इतना अकल नहीं थी ना जितना तुम सोच रहे हो कि कड़वा कड़वा राजा को ना दे में हाँ अब बताओ सवेरे सवेरे क्या पिए तुम लोग, चंद्रेश, चंद्रेश ओंकार, ओंकार पीते हैं, गिलोय, और राम राम भगवान बचावें, और ख़त्म भी नहीं हो रही आश्रम की, हाँ क्यों क्यों पीते हैं, हाँ तो ऐसे राजा का स्वास्थ्य, इसलिए जो है वो इंद्रियां करती रहती हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। यदर्था यत् प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापारा सो अन्य सिद्धिति, वाक्य अर्थ पूरे इस मंत्र का जो भाव है क्या कह रहे हैं, देखो यदर्था जिसके लिए ये इंद्रियां व्यापार कर रही अपना अपना, जिसके लिए यत् प्रयुक्ताश्च जिसकी आज्ञा से, जिसके कहने पर ये सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, यदर्था जिसके लिए, यत् प्रयुक्ताश्च जिसकी जिसकी प्रेरणा से, जिससे ने लगाया, सर्वे वायुकरण व्यापारा ये सब का सब कर रही अपना अपना काम, तो एक बात तो पक्का है ना कि कार्य कराने वाला कार्य करने वाले से अलग है, जो उपहार लेके आ रहा है किसी को दे रहा है, तो उपहार देने वाला जिसको दे रहा है उससे तो वो अलग है ना, तो कह रहे हैं करण व्यापारा सो अन्यहा, तो यह जो इंद्री आदि अपना अपना व्यापार कर रही हैं, तो जिसके लिए कर रही हैं उससे अलग हैं, जिसकी प्रेरणा से कर रही हैं उससे वो अलग है, यानी आपका जो आत्मस्वरूप है ये कार्य करण संघात से बिल्कुल अलग है, सो अन्यः सिद्ध, बिल्कुल अलग है इंद्रियों। अब इसका मतलब हुआ कि इंद्रियों का हुक्म हम नहीं मानेंगे, किसका मानना है, सम्राट का, यही ना,
अब हम मन का हुक्म नहीं मानेंगे, मानेंगे किसका? जो हमारा राजा है उसका मानेंगे। यही सो अन्य, ये सब शरीर से वो अन्य है, इस बात को समझाना चाह रही हैं श्रुति भगवती। किंच और क्या, अस्य विसरंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैततो। अस्य, अस्य माने यह शरीर, विसरंस समानस्य, यह जो शरीर है ये शरीर के सारे अंग अलग अलग हो जाएं, विसरंस समानस माने सब का सब अलग अलग हो जाएं, बिल्कुल सब अलग अलग हो जाएं। तो शरीरस्थस्य देहिना, इस शरीर के भीतर जो देही बैठा था, जो इसका स्वामी बैठा था, वो बोले वो देहाद विमुच्य मानस्य, वो इस शरीर को छोड़ के चला गया। हाँ, ये अस्य विसरंस समानस्य, विसरं समानस्य, या शरीर के सारे अंग अलग अलग भ्रष्ट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो शरीरस्थस्य, इस शरीर के भीतर बैठा था कोई देही, वो किया क्या उसने? देहाद विमुच्य मानस, इस शरीर को छोड़ के यहाँ से चला गया। तो किमत्र परिशिष्यते, फिर यहाँ क्या रह जाएगा, क्या बचेगा? तो यहाँ कुछ बचने वाला है नहीं। इसलिए अब यहाँ पर दो दृष्टि हो गई, यहाँ पर दोनों बातें समझना, क्यों? क्योंकि वो दो बातें बार बार आ रही ना, कि जीवात्मा और परमात्मा, कारण ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म। यह जो जीवात्मा है चिदाभास, वही शरीर को छोड़ के जाता है, जीवात्मा जाता है, जो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा है वो कहीं आता और जाता नहीं, है ना? तो ये दो, लेकिन दृष्टि ये है कि यह जीवात्मा जब तक इसके भीतर अविद्या कामना कर्म है तब तक ये आता जाता रहेगा ना। जिस समय पर इसको बोध होगा और इसकी अविद्या मिटेगी, तब इस जीवात्मा को पता लगेगा कि हमारा जीव भाव चिदाभास और यह देहादि पूरा का पूरा संसार सब कल्पित था और असल में तो वही परमात्मा हो गया। जब वो परमात्म स्वरूप हो जाएगा तो फिर ना उसका कहीं आना और ना कहीं जाना। ओ मंत्र याद करो, वो कौन सा था, वासांस जीर्णानी यथा विहाय नमान गृहणाति नरोपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानी निसंयाति नमानी देही वा देही। इस देह को अपना मानने वाला कौन है? देही। जैसे घर को अपना मानने वाली गृहिणी, देह को अपना मानने वाला देही, यही ना। हाँ, उसी प्रकार से यह देही यहाँ से चला जाता है। तो देही जो कहा जा रहा है, इस पर हमेशा इस बात को खूब बिठाना, देही माने जीवात्मा चिदाभास, कौन? अंतःकरण उपहित चेतन का नाम ही देही है, वही चिदाभास है। अंतःकरण और अंतःकरण के बाद में सारी इंद्रियां, शरीर आदि सब का सब कब तक रहेंगी? जब तक वो अविद्या बीच में ही विराजमान है। अविद्या के कारण ये अंतःकरण आदि उपाधियां बनी, व्यवहार हो रहा है। जैसे अविद्या का नाश हुआ, तो ये सारा का सारा अंतःकरण से लेकर के सृष्टि पर्यंत सब कुछ ये भाषित हो गया, कल्पित हो गया सर्पवत। जब ये कल्पित हो गया तो इसमें जो प्रतिबिंबित था वो चिदाभास, हाँ, फिर कहा कि वो चिदाभास भी सत्य नहीं होता, फिर वही जो चिदाभास पहले कहलाता था अब वो चैतन्य स्वरूप हो गया, वही चैतन्य स्वरूप है। उस जीवात्मा ही परमात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है, बस अर्थे उसके भीतर की अविद्या की गांठ कटे, अविद्या कामना की जो ग्रंथि है वो छूटे, अलग नहीं है। जो जीवात्मा है सो ही परमात्मा है। अगर कोई कहे कि जीव से अलग वह ब्रह्म है तो द्वैत हो जाएगा,
जीवात्मा ही परमात्मा है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण वह अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि से युक्त होके फिर वह चिदाभास बन गया और सारा व्यवहार करने लगता है, तब उसका नाम हमने कह दिया देही। उसी के लिए फिर सारा विधि निषेध, ये तुमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसी के लिए वही जाता है। तो जब अगर वो यहाँ से चला, अभी ज्ञान मिला नहीं उसको, अपने स्वरूप का ठीक से बोध प्राप्त नहीं किया और ये शरीर छूट गया किसी का, कोई साधक है, अभी अभी अविद्या की ग्रंथ मिटी नहीं, वही कह लो प्रारब्ध शरीर का खत्म हो गया और अविद्या अभी मिटी नहीं थी, तब उसके भीतर वह जो साधक था, चिदाभास साधक था, वो इस शरीर को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। यही ना, जब शरीर को छोड़ के चला गया तो आपने क्या कहा, आप बस महाराज जी को समाधि दे दो, साधक थे इनको समाधि दे दो, लेकिन मूल रूप से तत्वता वही ब्रह्म है, ये तद वही तत्व, वही तत्व है। आगे देखो आस्य, हाँ आस्य को मंत्र में जो आस्य है उसको जो है जोड़िए शरीरस्थस्य, आस्य शरीरस्थस्य आत्मनो विस्रंसमानस्य अवस्रंसमानस्य भ्रंसमानस्य देहिनो देहवतः। विस्रंसन शब्दार्थम आह देहाद विमुच्यमानस्य इति। हाँ, आस्य शरीरस्थस्य, यह जो शरीर के भीतर स्थित है, शरीर के भीतर जो स्थित है कौन, आत्मनः। आत्मनः क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, आत्मनः इसलिए क्योंकि तत्ववेत्ता की दृष्टि में वो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और अज्ञानियों के लिए वह जीवात्मा है, ठीक है ना। ब्रह्मवित ब्रह्मयु भवति, है ना, जो तत्व को जान लेगा उसके लिए जगत में क्या है, वो आकाश में गमन करने वाला वह सूर्य है, अंतरिक्ष में भी वही है, वो तो सब जगह आत्मा देख रहा है ना। तो तत्ववेत्ता की दृष्टि में ये शरीर के भीतर जो स्थित है वो कौन, आत्मा, वो समझ रहा है आत्मा है, लेकिन जो अज्ञानी है वो कहेगा जीवात्मा है, बस इतना फर्क समझ। आस्य शरीरस्थस्य आत्मनः, इसी शरीर के भीतर स्थित हुआ जो अपना आत्मा है, विस्रंस समानस्य माने अवस्रंस समानस्य, सभी इसके अवयव अलग अलग हो गए, भ्रंस मानस्य, भ्रंस माने माने भ्रष्ट हो गए, सब अलग अलग हो गए, जब तक अंग जुड़े रहते हैं तब तक उसकी कीमत है। हाँ, हमारे शरीर से जब तक ये सारी उंगली हाथ पांव नाक कान जुड़ा हुआ है तब तक कीमत है, और सब अलग अलग हो जाए तो अगर ये शरीर भ्रंश मानस सारे अंग अलग अलग हो जाए तो भ्रंश मानस्य, तो इसकी कोई कीमत नहीं। देहिनो देहिवता, देहिना माने देहवता, जो शरीर को अपना मान के बैठा था, तो इसी शरीर के भीतर जो चेतना आत्मा रूप से अवस्थित थी, इस शरीर के सब अंग अलग अलग हो जाएं, भ्रंश हो जाएं, तब यह जो देही है यहाँ से चला गया। फिर से कह रहे हैं भगवान भास्कर, विस्रंसन शब्दार्थम आह देहाद विमुच्य मानस इति। यह जो मंत्र में देखो, मंत्र में है ना देहाद विमुच्य मानस्य, तो भाष्यकार कह रहे हैं कि ये जो मंत्र में पहले एक श्रुति भगवती ने कहा विस्रंस मानस्य, उसका अर्थ श्रुति स्वयं प्रकट कर रही हैं, श्रुति भगवती उसका अर्थ कह रही हैं कि देहाद विमुच्य मानस्य। कभी कभी ऐसा मान लो श्रुति भगवती को लगा कि मेरे सामने जो साधक है वो नहीं समझ पाएगा, कोई शब्द प्रयोग कर दिया तो उसको दूसरे शब्द में बता रहे हैं, विस्रंस शब्दार्थम आह देहाद विमुच्य मानस्य इति। देहाद विमुच्य मानस्य इति माने शरीर को छोड़ करके जब वो निकल गया, जब शरीर को छोड़ के वह चिदाभास गया, जीवात्मा गया, तब किमत्र परिशिष्यते, फिर यहाँ क्या रह जाएगा, प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते अत्र देहे पुरस्वामिने पुरस्वामिनः विद्रमण इव पुरवासी नाम यस्य आत्मनो अपगमे क्षण मात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम सर्वम इदम हत बलम विध्वस्तम भवति विनष्टम भवति सो अन्यः।
किमत्र परिशिष्यते, फिर यहाँ क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा यानी प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते अत्र। जब तक प्राण आदि चलते थे तभी तक इस शरीर की कीमत थी। प्राणादि कलापे न, जब यह प्राण आदि अपना काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं रह जाता। न किंचन परिशिष्यते, कुछ नहीं छूटेगा। देह पुर स्वामिनो विद्रमण, ये अब एक दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत दिया कि देहे पुर स्वामिनो, इस शरीर के रूपी महल के भीतर का जो स्वामी है जब चला गया तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं। कैसे? यू माने अब दृष्टांत देते हैं। पूर्ववासिनाम यस्य आत्मनो अपगमे क्षण मात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम। अच्छा, ये जैसे पूर्व स्वामिना एक नगर है या एक नगर है, उस नगर में उस राजा का सब बताया था, सारे के सारे न्यायाधीश हैं, जज हैं, सारा का सारा लोग हैं। तो वह पूर्व स्वामी वहाँ से एक दिन चला गया। पूर्व स्वामी जब चला गया तो सारे के सारे उसके अधिकारी लोग भी चले गए। तो पूर्व स्वामिनो विद्रमण इव, जैसे पूर्व का स्वामी चला गया तो पूरा का पूरा पुर समाप्त। अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी। एक दिल्ली का सम्राट बना था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने एक बार चमड़े का सिक्का चलवाया, सोने चांदी के बजाय चमड़े का सिक्का चलवाया। जब चमड़े पर सिक्का चलवाया तो उसके बाद जो है इतना भरमार हो गई समाज में, क्योंकि हर आदमी चमड़े पर ठप्पा लगाना शुरू कर दिया जैसे नोट छापना शुरू कर दे हमें। हाँ, और फिर उसके बाद उसने सोचा कि दिल्ली हमारे शासन के बीचों बीच में नहीं है। अभी भी जैसे भारतवर्ष है हमारा, तो भारतवर्ष के बीचों बीच में दिल्ली थोड़े है। दिल्ली तो उत्तर साइड में हो गया ना, बीचों बीच में तो आपका मध्य प्रदेश आएगा। तो उसने कहा कि दिल्ली जो है बीच में नहीं है, और हमारा शासन अगर पूरे साम्राज्य के बीचों बीच में हो राजधानी तो हमारा शासन बढ़िया चलेगा। तो उसने कहा दौलताबाद में बनाया जाए। दौलताबाद महाराष्ट्र के पास में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शायद उधर का ही, और औरंगाबाद अलग है, दौलताबाद अलग है। दौलताबाद, तो उसने अपने पूरे नगर को कह दिया दौलताबाद चलो। हाँ, तो इतिहासकार लोग क्या कहते हैं, उसको अपना मुख्य कार्यालय ले जाना चाहिए था, अपना ले जाता, लेकिन उसने झक में कह दिया जितने नगरवासी सब चलो दौलताबाद। तो आधे तो रास्ते ही मर गए हाँ, ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई दिल्ली से दौलताबाद की कहानी। आधे गए नहीं, आधे रास्ते में मर गए, बीमार हो गए, अंत में उसका वो प्रोग्राम फेल हो गए। फिर जब वहां से नहीं तो फिर कहा दिल्ली चलो ना, तुमको याद आया ना। तो अगर वो नगर का स्वामी निकल गया वहां से, करें देहे पुर स्वामिनो विद्रमणी, जैसे नगर का स्वामी चला गया तो सारा का सारा पुर, वहां के पुर के वासी सबके सब चले गए। आत्मनो अपगमे क्षण मात्रात, उसी प्रकार से यह जब अपना आत्मा यहां से गया, बिल्कुल अपना आत्मा यहां से चला गया क्षण मात्रात, उसके क्षण मात्र में कार्य करण कलाप रूपम, यह जो कार्य करण रूपी संघात स्थूल सूर शरीर था, ये सर्वम इतम हत बलम, ये सब का सब इसकी शक्ति खत्म, विध्वस्तम भवति, यह सब नष्ट हो जाता है, विनष्टम भवति, तो जो चला गया इस शरीर को छोड़ करके सो अन्य, वह इस शरीर से अन्य है, सिद्धः, वो इससे अलग है। जिसके रहने पर इसकी कद्र है, जिसके चले जाने पर सब अपना अपना छोड़ के चले जाते हैं, वह इससे अन्य है। ये बात सिद्ध करता, ये बात शरीर से अगर वो देखोगे ना, तो जो शुरुआत में भाष्यकार ने कहा था असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थ, उसी बात को लेकर के वही सिद्धांत है। अभी असंगत हो गया ना, वो शरीर से बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों मंत्र में सिद्ध किया कि जिसकी शक्ति से प्राण अपान चल रहे हैं वह इस शरीर से अलग है, अन्य है। सो अन्य, ऊपर के मंत्र में भी यही शब्द भगवान भास्कर ने लिखा था, सो अन्य सिद्ध। हाँ,
भाष्यकार की पंक्ति देखोगे तो सो अन्यः वायुकरण व्यापाराः सो अन्यः सिद्ध इति वाक्यर्थ है ना। नीचे की पंक्ति में देखो तो विनष्टम भवति सो अन्यः सिद्ध। दोनों मंत्र में आप देखो ना तो भाष्यकार वो जो श्रुति भगवती का उद्देश्य है बताना, तरीका अलग है, लक्षण अलग बताया, लेकिन जो उद्देश्य है क्या, इस शरीर कार्यकरण देह इंद्री आदि से वह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये बात अगर सिद्धांत पकड़ में आ जावे तो बहुत बढ़िया, सिद्धांत अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। साधक को सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान तो विद्वान लोग देते हैं, स्वामी जी लोगों का काम है। बाकी जो साधक हैं उनका ज्यादा ध्यान होता है उस मूल चीज को पकड़ना। भाष्यकार बिल्कुल उसको कह रहे हैं कि इसमें भटकाव हो सकता है, जो पढ़ेगा वो भटक सकता है, कि इसका कहने का क्या मतलब है। तो इसलिए भाष्यकार ने उसका एक कह दो कि वो बिल्कुल निचोड़ निकाल के रख दिया, सो अन्य सिद्धा, वो अन्य है, यही बात सिद्ध हो गई। और आनंद गिरी जी महाराज ने तो चौथे मंत्र के जो है टीका में बस एक लाइन लिखा, शरीरम चेतना चेतन शेषम तद्विगमे भोगान अर्हत्वाद राजपुरवत इत्यर्था। बिल्कुल वही कि शरीर जो चेतन दिखाई पड़ रहा है उसी के कारण है, जब वो चला जावे तो ये शरीर कुछ खा पी भी नहीं सकता, सबका सब। हाँ बिल्कुल इतना से लिखा। हाँ आप देखो अब प्रसंग थोड़ा बदलेगा, इसलिए संगति लेते हैं। श्यान मतः, हाँ श्यान मतम प्राण अपानाद्य अपगमात एव इदम विध्वस्तम भवति, न तो तद व्यतिरिक्तम आत्म अपगमात प्राणादि भीरेव ही मर्त्यो जीवति इति न एतद अस्ति। स्यात् मतम, अरे भाई आपकी बात थोड़ा अगर माने भी तो हमारे कुछ जमी नहीं। आप कह रहे हो कि कोई राजा है, राजा जैसे बैठा है और चला जाता है तो शरीर मर जाता है, हो सकता है ऐसा, स्यात् मतम आप मान सकते हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से सही नहीं लग रही। हम दुनिया में क्या देखते हैं, संसार में क्या देखते हैं, देखते क्या है, प्राण अपानाद्य अपगमात एव इदम विध्वस्तम, या शरीर तब तक चल रहा है जब तक प्राण अपान इसमें चल रहा है, प्राण अपान आदि अपगमत, या प्राण और अपान का चलना बंद हो जावे, अपगमत माने इस शरीर में से निकल गए, प्राण अपान का चलना बंद हो गया तब इदम विध्वस्तम भवति, तब ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। हमारे देखने में तो लौकिक जगत में यही बात दिखाई पड़ रही है, हम तो आज तक यही समझते थे 50 साल से कि उसके प्राण निकल गए। तो प्राण और अपान जब तक चल रहे हैं तब तक ही है, और प्राण अपान के अब गमाते हो, इनके चले जाने पर ही शरीर सब नष्ट हो जाता है। हाँ ना तो तद व्यतिरिक्त आत्म अपगमात, अरे ये सबसे अलग कोई तद ना तो तद व्यतिरिक्त, ये सब प्राण अपान आदि से अलग कोई आत्मा होती है अपगमात प्राणादि भी, ये कि यह प्राण आदि से अलग कोई आत्मा होती है, जो आत्मा निकल जाती है तो प्राण वगैरह अपना काम नहीं करते। ये बात तो हमको अभी तक नहीं पता था, हम क्या समझते थे, देखो यहां पर सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम ये समझते थे कि हाँ भाव समझना, स्यात्मतम हो सकता है ऐसा, प्राण अपानाद्य अपगमाते, प्राण अपान के निकल जाने से ही, अपगमात माने निकल जाने से, ये इदम विध्वस्तम, या शरीर जो हमको पंच भौतिक दिखाई पड़ रहा है विध्वंस हो जाता है भवति, ना तो तद व्यतिरिक्त आत्म अपगमात, इस शरीर से प्राण अपान से अलग कोई आत्मा है, प्राणादि भी जो प्राण आदि को शक्ति देता है उसके जाने से मरता हो, ऐसा हमको पता नहीं, ऐसा हमको नहीं पता, प्राण अपान चले गए बिल्कुल, ये लोकमत है, इसका नाम, इसका मत है लोकमत,
समाज में यही धारणा है कि इसी से जीवन चलता है और इसी से जीव मर जाता है। प्राणादि भी एव ही मरते हो जीवत इति। जब तक प्राण आदि भी प्राण आदि के द्वारा ही मरते है या मनुष्य जीवति या मनुष्य जो है मरता है और जीवति, जब तक चल रहा है तब तक जिंदा है। भाष्कर कहते हैं ना ये तदस्ति, ये बात सही नहीं है, श्रुति भगवती पर विश्वास करो। ये प्राण अपान के चलने से आदमी जो है अगर होता ना तो अब आजकल से बढ़िया ज़्यादा दृष्टांत मिल ही नहीं सकता। आजकल तो बहुत बढ़िया जो है, हाँ आजकल डॉक्टर लोगों की बात तो जो है अरे प्राण उपासना में ऐसा होता है। लेकिन आजकल यह जो सांस चल रही है इसको चला दिया उन लोगों ने, इसको चला देते हैं। मर गया आदमी तो भी चलाए रखते हैं। जब सांस चलेगी ना उसमें लगा दिया तो फिर नाक की नली से उसको खून भी देते हैं, फिर उसका पेशाब निकलता है, उसका मलमूत्र होता है, उसके शरीर गर्म रहता है पूरा का पूरा। हाँ हाँ, उसकी ब्रेन डेथ हो गई है एक तरीके से, उसको ब्रेन डेथ कहते हैं। हाँ, शरीर गर्म रहता है। चेतन की बात चेतन मत बोलो, चेतन जब आप चेतन कहोगे तो फिर उसमें तो हम आत्मा लाएंगे ना, चेतन मत कहिए। लेकिन ये शरीर गर्म रहता है, ये नसें उसकी नाड़ियाँ चल रही हैं, उसका श्वास चल रहा है, डॉक्टर भी जान रहे हैं कि अबे मरा हुआ है। तो अब श्रुति भगवती का पढ़ें तो कितना सही लगता है। न प्राणे न पाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतावपाश्रितो। देखो न प्राणे न अपाने मर्त्या माने यह जीव मनुष्य, यह मनुष्य ना प्राणेन जीवति, ना तो प्राण से जीता है, ना अपानेन जीवति, ना तो अपान से जीता है। अरे कोई भी कश्चन, कोई भी प्राणी यह प्राण अपान से जीवित नहीं है। फिर इतरेण तो जीवन्ति, इतरेण माने प्राण और अपान की जो क्रिया है इससे कोई अलग है जिसके द्वारा यह मनुष्य जीवित रहता है। यस्मिन एतो उपाश्रितो, एतो माने ये दोनों कौन, प्राण और अपान, ये प्राण और अपान इनका आश्रय कोई और है, ये किसी पर आश्रित हैं, वो है तो ये चलते रहते हैं, वो नहीं है तो ये नहीं चलते। ये प्राण और अपान से कोई जीवित है ये बात नहीं कहा जा सकता। अब बताइए क्या श्रुति भगवती ने घोषणा कर दी, ना प्राणे ना अपाने, ना प्राण से ना अपान से मनुष्य जीवित इनसे नहीं है। इतरेण तु जीवन्ति, ये प्राण अपान से कोई अलग है, चेतन शक्ति जिसके कारण जीवित हैं हम, जो अलग है उसी पर ये प्राण और अपान यस्मिन, उसी पर जिस पर प्राण और अपान दोनों ये तो उपाश्रित हो, उसी पर ये आश्रित हैं, वो है तो चलता रहता है, वो है नहीं तो नहीं चलता रहता। अच्छा डॉक्टर लोग भी कितने दिन चलाएंगे, हाँ अब अगर हम यही कहेंगे कितने दिन चलाएंगे, ज़्यादा 3 दिन 4 दिन बस, उसके बाद कहते हैं क्योंकि फिर धीरे धीरे गड़बड़ होने लगेगा शरीर में, हाँ तो हाँ कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा, तो 2-4 दिन रखते हैं, उसके बाद फिर जो है कहते हैं कि वो एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं कर पाया, हाँ खुद हटाते कहते हैं एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं कर पाया, बस बात से भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आसान सा है, कठिन नहीं है। देखो ना प्राणेन ना अपानेन प्राणित लिखा है क्या तुम्हारे यहाँ, हाँ इसमें ता छपा हुआ है, देखो इस प्रिंट है इसमें ता छपा, ना प्राणेन ना अपानेन चक्षुरादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देहवान कश्चन जीवति।
ना को अपिजीवत, कह रहे ना प्राणे ना पानेन, माने चक्षु आदि ना भी जोड़ लो इसमें, प्राण अपान चक्षु आदि इंद्रियों से ही कोई मनुष्य मर्त्या जो देहवान है, कश्चन जीवति ना कोपी, केवल प्राण अपान और इंद्रियों से ही ये जीवित नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ना प्राणे ना पाने, ना प्राण से ना पान से, और इंद्रियों भी ले लो इसी में, आँख कान आदि से भी, इनसे भी मर्त्या मनुष्य, जो मनुष्य है, मरण धर्मा है, जो देह को धारण करता है, ये इनसे नहीं जीवित है। न कश्चन जीवति न कोपि जीवति, इनसे नहीं जिंदा है। कह रहे हैं न ही एषां परार्थानां संघत्य कारित्वात् जीवन हेतुत्वम उपपद्यते, ना ही एषां, एषां परार्थानां, ये सब समूह है कि नहीं, संघत्य कारित्वात्, ये सब समूह है ना, इंद्रियां पांच हैं, कर्मेंद्रियां पांच हैं, प्राण पांच हैं, अंतःकरण चार है, तो समूह हो गए ना, समूह हो गए, तो संघत, तो संघत्य कारित्वात्, ये सब अगर ये समूह हैं, तो ये सारे समूह किसी परार्था नाम किसी और के लिए होते हैं। जितना समूह है ये लोक में जो देखा जाता है कि जितना संघात होता है वो किसी और के लिए होता है, और जब वो रहता है तभी समूह रहता है, जब वो चला गया तो उसकी गठरी भी किनारे हो जाती है। तो कह रहे ना ही एषां परार्थानां संघत कारित्वात्, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब किसी और के लिए होती हैं, कौन संघत कारित्वात्, जितने समूह होते हैं वो सब किसी और के लिए होते हैं, तो हेतुत्वम ना उपपद्यते, इनके कारण यह जीवन है ये कहना उचित नहीं। समूह संघात किसी और के लिए ही होते हैं। आपने कहा कि ये प्राण पान से ही जीवन चलता है, तो प्राण भी तो पांच हो गए, दस प्राण कोई गिना सकता है? प्राण अपान ब्यान उदान समान पांच मुख्य, पांच पांच उप कौन कौन गिनाएगा? हाँ हाँ दस, तो हाँ तो दस प्राण हो गए, तो ये समूह हो गया ना। तो अगर कोई कहता है प्राण अपान से ही जीवन चल रहा है, तो आप कह रहे हो कि समूह से संघात से जीवन चल रहा है, जबकि जीवन में क्या देखा जाता है कि जो संघात होता है किसी और के लिए होता है, संघात किसी और के लिए होता है, संघत्य कारित्वात् वो किसी और के लिए होगा, और जब वो चला जाएगा तो उसका संघात जितना है सबका सब गठरी अलग हो जाएगी। आप कह रहे हो कि इन्हीं प्राण अपान से चलता है, तो ये जीवन का हेतु न उपपद्यते, यह जीवन के कारण को मत समझो। स्वार्थेन असंगतेन परेण केनचित अप्रयुक्तम संगता नाम अवस्थानम ना दृष्टम गृहादी नाम लोके तथा प्राणीदी नाम अपि संगतत्वात् भवितुम अर्हति। इसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं, स्वार्थेन अन, स्वार्थेन असंगतेन, अपने लिए, स्वार्थेन अपने लिए, असंगतेन अपने से अलग, अपने से अलग, परेण केनचित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कहना पड़ता है कि इसको उठा के वहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो। केनचित अप्रयुक्तम संगता नाम, अरे कोई भी वस्तु है और अगर कोई चलावे ना तो वह वस्तु काम नहीं करती। अवस्थानम ना दृष्टम गृहादी नाम लोके, इस लोक में इस जगत में ऐसा देखा नहीं जाता। देखो जितना जितना समूह है वो जड़ है, चलो दूसरी बात समझो, समूह जितना है वो सबका सब जड़ होगा, जब जड़ होगा तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, जड़ को चलाने वाला फिर उससे कोई ना कोई अलग तो चाहिए, कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है उससे अलग होगा। तो उस बात को यहाँ करें, स्वार्थेन असंगतेन, अपने से, अपने से, अपने लिए जो असंगतेन उससे अलग है, परेण केनचित अगर कोई उसको चलावे ना अप्रयुक्तम तो संगता नाम अवस्थानम ना दृष्टम, तो आप वस्तुएं फिर अवस्थित दिखाई नहीं पड़ेंगी, अपना काम करती नहीं दिखाई पड़ेंगी। कहाँ गृहादि नाम लोके, घर आदि में भी ऐसा देखा जाता है। तथा प्राणादि नाम अपि संगतत्वात् भवितुम अर्हति,
जब समूह है जड़ है, तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो जैसे घर में देखा जाता है, अब ऐसे ऐसे सोचो कि एक लोटा यहाँ से अपने आप वहाँ उड़ के जाने लगे तो क्या कहोगे? फिर डर जाओगे, कहोगे भूत है ना? ऐसे तो डर लगेगा कि नहीं? तो अगर लोटा यहाँ से है वहाँ जाएगा तो कोई ना कोई उसको उठा के रखने वाला होगा, या कोई कहेगा कि इसको उठा करके वहाँ पे रख दो। तो जितना संघात होता है वो किसी स्वतंत्र चेतन के द्वारा चलाया जाता है, ये हमने अनुभव किया है। वैसे ही ये शरीर है, प्राण आदि हैं, ये सब भी संघतत्वात् चूँकि समूह है तो ये भी अपने आप काम नहीं करती, किसी के कराने पर करती हैं। अतः इतरेण एव संघत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संघता संतो जीवन्ति प्राणान धारयन्ति। अतः निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए इतरेण एव अलग ही है संघत प्राणादि विलक्षणेन, ये प्राण आदि के समूह से बिल्कुल अलग ही एक तत्व है। तो सर्वे संगता संतो, जिसके कारण ये सारे समूह जीवंति प्राणान धारयति, ये सब जीवित रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं, वो इनसे कुछ न कुछ एक ऐसी सत्ता है जो अलग ही है, बिल्कुल अलग है। यस्मिन संगत विलक्षण आत्मनि सति परस्मन एतौ प्राणापानो चक्षुरादि भी संगतौ उपाश्रितौ। यस्मिन ये मंत्र में है, मंत्र में यस्मिन शब्द है, हाँ उस यस्मिन को ले आ रहे हैं। संघत विलक्षण आत्मनि, इस समूह से विलक्षण जो अपना आत्मा है उसमें, समूह से संघत विलक्षण आत्मनि, यस्मिन माने यस्मिन माने जिसमें, तो जिसमें माने किसमें? संघात विलक्षण आत्मनि सति, इस समूह से विलक्षण जो अपना आत्मा है उसी में होने पर, परस्मिन ए तो उसी में होने पर, ये तो प्राणापानो प्राणापान आदि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं संग, ये सब के सब उसी में आश्रित होते हैं, उसी में आश्रित होते हैं। यस्य असंगतस्य अर्थे प्राणापान आदि स्वव्यापार्यम कुर्वन् वर्तते, जो इस समूह से अलग है, समूह से बिल्कुल अलग है, उसी के लिए या प्राण अपान आदि सब अपना अपना व्यापार करते रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। संगता संसा ततो अन्यः सिद्धा इति अभिप्रायः। तो ये सब का सब इंद्रियों का स्वभाव विलक्षण है, प्राण आदि का स्वभाव विलक्षण है, इनसे बिल्कुल अलग अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप से बिल्कुल अलग इनका सब इनका स्वभाव है, ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं उसी अपने आत्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। और चूंकि ये सब इंद्रियां आदि का स्वभाव विलक्षण है अपने आत्म स्वरूप से, इसलिए ततो अन्यः सिद्धः, इसलिए ये सब समूह से वो आत्मा अन्य हो गया। देखो भाष्यकार तीन बार यही शब्द प्रयोग किए, अन्यः सिद्धा, ये सबसे अन्य है, बिल्कुल इत सिद्धम। अब जो है थोड़ा प्रसंग बदलेगा, फिर अब हम लोग शाम को देखते हैं मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत इतना समझना है, वही सिद्धांत की वह जो भीतर वाला है इस समूह से, पूर्व महल के समूह से असंगत है, स्वतंत्र है और सब उसी के लिए। ये तीन बात याद आ रहा है ना, भाष्कर ने लिया था, असंगत माने इससे अलग, और स्वतंत्र जब चाहे वो छोड़ के चला जावे, और उसी के लिए इशारा का सारा है। उसी बात को श्रुति भगवती ने इन मंत्रों के द्वारा स्पष्ट किया। यहाँ पर इस समूह प्राण अपान और इंद्रियों आदि से वह विलक्षण है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, उस बात को सिद्ध किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।